तो चलिए प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक्सेल में सीरियल नंबर लेकर आना है ऑटोमेटिक, आप 1 to 10 चाहते हैं तो आ जाए, 1 to 5 चाहते हैं तो आ जाए, 1 to 17 चाहते हैं तो आ जाए, तो जितना भी आप लाना चाहते हैं प्यारे बच्चे आप यहाँ पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम सीरियल नंबर लाने का 3 तरीका बताएंगे। मान के चलिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं प्यारे बच्चे, और आप टाइपिंग ऐसे कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप टाइपिंग ऐसे कर रहे हैं, 1 एंटर मारा आपने, फिर लिखा 2, फिर आपने एंटर मारा, फिर लिखा आपने 3, फिर आपने एंटर मारा, फिर लिखा आपने 4, एंटर मारा, फिर लिखा आपने 5, फिर आपका बॉस आपसे पक जाएगा, बोलेगा भाई क्या आप एक्सेल पढ़ के आए हो यार, हाँ जाओ घर जाओ, घर जाओ, घर जाओगे फिर फैमिली टेंशन हो जाएगी। इसीलिए प्यारे बच्चे आप, आपको सीखना है सर, स्मार्ट बनना है। चलिए तो एक्सेल में हम आपको 3 तरीके से बताते हैं कि सीरियल नंबर कैसे लेकर आते हैं। पहला तरीका प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, पहला तरीका यहां पे 1 लिखेंगे, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहां पर जाकर ध्यान से समझिएगा, दोनों को करेंगे सेलेक्ट, ध्यान से समझिएगा, दोनों को करेंगे सेलेक्ट ध्यान से, और फिर हमें जहां तक चाहिए, देखिए यहाँ पे 1-1 आ गया, यानी कहने का मतलब है आपने सेलेक्ट अच्छे तरीके से नहीं किया है। चलिए तो यहाँ फिर से करके देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे यहाँ एंटर, एंटर प्रेस करके लिखेंगे 2, फिर एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे दोनों को करेंगे सेलेक्ट, सबसे पहले 1-2 को करना है सेलेक्ट, उसके बाद आप यहां से ड्रैग करेंगे। सर देखिए सर आ गया कि नहीं आ गया, जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप ले लीजिए, मान लीजिए आपको 10 11 नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर दीजिए, 9 तक आप एंट्री करेंगे ना, ठीक है। पहला में आपने एंट्री किया मान के चलो कीबोर्ड, दूसरा में आपने एंट्री किया माउस, आरे बात, तीसरा में आपने किया मॉनिटर, तो देखा आपने कमाल का चीज। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको मतलब ये परेशानी नहीं हो इसलिए आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चे। चलिए दूसरा नंबर मैं आपको बताता हूं सर, दूसरा तरीका क्या होता है चलिए देखते हैं प्यारे बच्चे, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि सीरियल नंबर कैसे लेके आते हैं। तो चलिए यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, लिख लेता हूं ध्यान दीजिएगा, यहां पे आएंगे 1 प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे सर, उसके बाद कुछ नहीं करना, आप यहां पे जाएंगे और इसे आप ड्रैग कर लेंगे सर, क्या करेंगे यहां से आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग जहां तक लाना ड्रैग कर लेंगे। देखिए यहां पे कॉर्नर साइड में एक ऑप्शन आ रहा है प्यारे बच्चे, ऑटो फिल ऑप्शन, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आएगा फिल सीरीज वाला ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चे, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6, आप मान लीजिए 7 तक चाहते हो तो 7 तक एंट्री कर लेना, ठीक है। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा आगे, ध्यान दीजिएगा वीडियो में आप बने रहेंगे। फिर आप यहां पे जो भी आपका प्रोडक्ट आइटम है, जैसे मान लीजिए पहला नाम आपने लिखा सर कौशल, दूसरा आपने लिखा पवन, तीसरा आपने लिखा विवेक, चौथा आपने लिखा मुकेश, आराबास, फिर लिखा आपने आयुष, फिर लिखा आपने ओम, फिर आपने लिखा रफ्सन, जो आपको लिखना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे। चलिए तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चे कि तीसरा तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बाबू लाने का। तो चलिए हम यहां पे चलते हैं प्यारे बच्चे, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं सीरियल नंबर लाने का। तो यहां पे लिख देंगे सीरियल नंबर और फिर आप यहां पे आएंगे इंटर, चाहे माउस से भी आ सकते हैं, इंटरप्रेस करके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप यहां लिखेंगे 1 1। लिखने के बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिए सर, आपके कीबोर्ड में एक की होता है कंट्रोल, तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और यहां से इसे ड्रैग करके जहां तक आपको लाना है आप लेते आइए, जैसे छोड़ेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्यारे बच्चे ये जो तरीका है ध्यान से समझिएगा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट करने का, तो आपने देख, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में।